एक अनजान नंबर से मेरी दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती प्यार में बदल गई थी। इससे मिलने का बोला तो मैंने इनकार कर दिया और वो नाराज़ हो गया। उसके नाराज़गी से बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने हाँ कर दी। उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें मुकम्मल हासिल करना चाहता हूँ। मैंने उसे इनकार किया तो वो फिर नाराज़ हो गया, तो मैंने अपने आप उसे सौंप दिया। वो मिलने की इज्जत करता रहा और मैं उससे मिलती रही। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब मैंने उसे बताया तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दी। मैं बहुत रोई और मजबूरन मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। फिर घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने उसे बताया तो कहने लगा कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। और इसने मुझे फिर रब्ता ख़त्म कर दिया। मैं बहुत रोई, खुद को बहुत अज़ियत दी और फिर मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात मैंने अपने शौहर को अपने पास नहीं आने दिया। कुछ दिनों के बहानों के बाद मेरे शौहर को पता चल गया कि कोई तो मसला है। इसने मुझे बहुत मारा। मजबूरन मुझे अपने शौहर के करीब जाना पड़ा और मेरे शौहर को पता चल गया। उसने अब पूछा तो मैंने सब बता दिया। मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा और सबको बता भी दिया। मुझे घर से भी निकाल दिया गया और मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं रखा। आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है। ज़िल्लत के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। आज अपना गुजरा वक्त सोचती हूँ तो दिल करता है कि खुद